हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर और इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसान भाषा और आसान तरीके से सरल करेंगे। हम इसका पार्ट सी सरल करने जा रहे हैं। हमारे क्वेश्चन है कि दर्शाए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमश है ए बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप तथा बी बराबर 2i कैप माइनस जे के प्लस के कैप और सी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। जानते हैं भाई समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें दिया गया है कि ए सदिश बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और सी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। सिद्ध करना समकोण त्रिभुज। तो प्रूफ, अब ए बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे भाई? बी में से ए वेक्टर को घटा देंगे तो बी का मान हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के कैप माइनस एक वेक्टर का मान है 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो देखो, जब 2i में से ये माइनस 3i घटाएंगे तो बचेगा क्या? माइनस i। इसी प्रकार माइनस जे में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4j में से जे गया ये बचेगा 3j और के में से ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो के और 4k ये हो गया 5k। अब ए बी का मापांक लेंगे तो मापांक कैसे लिखते हैं? आई के गुणांक माइनस 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 3 का वर्ग वर्ग प्लस के का गुणांक 5 का वर्ग का ले लेंगे वर्गमूल। तो देखो ये हो गया 25 और 9 और 1 ये हो गया 35, 35 का वर्गमूल। इसी प्रकार बी सी करेंगे मतलब सी वेक्टर में से बी वेक्टर को घटा देंगे तो सी वेक्टर का मान है आई के माइनस 3j प्लस माइनस 5k माइनस बी वेक्टर का मान है 2i माइनस जे प्लस के। तो देखो आई और ये माइनस 2i तो क्या हो गया? माइनस आई और माइनस 3j और ये प्लस जे, माइनस 3 में से ये गया तो बचा माइनस के 2j माइनस 5k और माइनस के तो ये हो गया माइनस 6k। तो बी सी का मापांक क्या आ जाएगा? आई के गुणांक का वर्ग माइनस ए का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, के गुणांक का वर्ग माइनस 6 का वर्ग तो ये हो गया 36 और 4 40 और एक 41 तो 41 का वर्गमूल। इसी प्रकार सी ए सदिश क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे तो ए में से ए वेक्टर में से सी वेक्टर को घटा देंगे तो ए का मान है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस सी वेक्टर का मान है i माइनस 3j माइनस 5k। जब 3i में से i को घटाएंगे तो बचेगा क्या? 2i माइनस 4 और ये हो गया प्लस 3, 4k प्लस 5 तो बचा प्लस का k। सी ए का मापांक निकालेंगे तो मतलब i के गुणांक का वर्ग 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणा का वर्ग माइनस ए का वर्ग और के गुणा का वर्ग मतलब ए का स्क्वायर तो ये कितना हो गया? 4516 रूट 6। हमारे पास ए बी का मापांक आया रूट 35, बी सी का मापांक आया रूट 41 और सी ए का मापांक आया रूट 6। इसका मतलब देखो 35 और 6 कितने हो गए? 41। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो सकता है। रूट 41 का वर्ग बराबर रूट 6 का स्क्वायर प्लस रूट 35 का वर्ग ऐसा हम लिख सकते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, अतः बिंदु ए बी सी समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। हैंड्स प्रूफ सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।